दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योत्सना, मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स में आप सबका स्वागत है। रक्षाबंधन आने वाला है, इसके लिए हम लोग कुछ खास तैयारी करते हैं। इस शुभ अवसर पर कुछ खास डिलीशियस डेजर्ट बनाते हैं जो खाने में डिलीशियस हो, देखने में भी सुंदर दिखे, जिसे बनाना बहुत ईजी हो, बच्चे इजली बना लें इसे। तो चलिए इस अमेजिंग डिलीशियस डेजर्ट को बनाना शुरू करते हैं। इस स्वीट का मेन इंग्रेडिएंट ब्रेड है। मैं यहाँ पर 1 पैकेट ब्रेड स्लाइसेस ली हूँ। अब करना ये है कि ब्रेड का 1 पीस उठाकर सबसे पहले इसके 1 कॉर्नर को काटना है, फिर एजेस को काटते हुए सेंटर में दबाकर कट लगाना है। इसी तरह से कॉर्नर, फिर एजेस को काटते हुए सेंटर में सीजर को नीचे की ओर दबाते हुए डिजाइन बना लेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं ब्रेड स्लाइसेस जो है फ्लावर शेप में कट गया है। इसी तरह से दूसरा भी कट कर लेंगे। इसे आप दूसरे तरीके से भी काट सकते हैं। पहले हम चारों कॉर्नर में कट लगाएंगे, एजेस को नहीं काटना है, फिर चारों सेंटर में थोड़ा सा नीचे की ओर दबाकर कट करेंगे। इसी तरह से काटना है आपको, इसे काटना और भी इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर 2 आम ले रही हूँ। आम तो सीजनली होता है, तो आप क्या करें, आप आम की जगह मावा ले सकते हैं, रबड़ी ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, या फिर अपनी चॉइस का कोई भी फ्रूट ले लें। इस मैंगो यानी कि आम को पहले पील करना है, छिलका निकाल लेना है, फिर छोटे छोटे पीस में कट करना है। आप मोटे पीस में भी इसे काट सकते हैं। फिर एक मिक्सी जार लेना है, मिक्सी जार में इसे ट्रांसफर करना है, फिर इसे ब्लेंड करेंगे। हमारा मैंगो प्यूरी बन गया है। इस प्यूरी में 3 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी ऐड कर रही हूँ। अब एक फ्राई पैन लेना है, फ्लेम को मीडियम पे रखना है। इस प्यूरी को फ्राई पैन में डालकर कंटिन्यू स्टर करते रहना है। आप अगर इसे चलाना छोड़ देंगे तो ये पैन में चिपक जाएगा और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें। इसे थिक और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। मिल्क पाउडर को प्यूरी में मिक्स करते हुए थिक होने तक कुक करना है। ऑलमोस्ट ये थिक हो गया है, 1 मिनट और कुक करेंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद और भी ये थिक हो जाएगा। इसे ठंडा होने देते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर से एक फ्राई पैन लेना है, फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून घी डालना है। आप घी की जगह बटर या तेल डाल सकते हैं। जब घी मेल्ट हो जाए तो कटे हुए ब्रेड स्लाइसेस को घी में डालकर ब्राउन होने तक स्लो फ्राई करना है। जब एक साइड अच्छे से कुक होकर क्रंची हो जाए तो दूसरे साइड टर्न करना है। गाइस, आप देख सकते हैं एक साइड कहीं से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया है तो कहीं ये लाइट ब्राउन है। इस स्वीट के लिए हमें ऐसा ही कलर चाहिए, दोनों साइड डार्क ब्राउन हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे को क्रंची होने तक स्लो फ्राई कर लेंगे। आप अगर ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो ब्रेड को डीप फ्राई कर लें। सारे को हमने फ्राई कर लिया है। तो डेजर्ट बना रहे हैं पर ब्रेड तो फीका ही है, मीठा तो हुआ नहीं। इसके लिए हम एक तवा या फिर फ्राई पैन लेंगे। इस तवा में 1 टेबल स्पून मिल्क यानी कि दूध को डालना है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी को ऐड कर लेंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को लो पे कर देंगे और फिर ब्रेड को इस सिरप में डालकर उलट पुलट लेंगे। ऐसा करने से हमारा ब्रेड मीठा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। गाइस, इसकी आवाज़ सुनिए कितना क्रंची और क्रिस्पी बना है। सॉरी गाइस, शायद मैं ये बताना भूल गई, ब्रेड को काटकर जो हमने फ्लावर का शेप दिया था, एक बड़े शेप में हमने कट किया था और दूसरे को हमने छोटा काटा था। अब करना यह है कि जो सबसे पहले बड़े साइज में जो ब्रेड कट किया गया था उस फ्लावर ब्रेड को लेना है, उसके ऊपर मैंगो प्यूरी को स्प्रेड करना है, फिर छोटे साइज के फ्लावर ब्रेड को उसके ऊपर रखना है, फिर इसके ऊपर थोड़े से मैंगो प्यूरी डालना है, पर इसमें पूरे ब्रेड में फैलाना नहीं है, बस थोड़ा सा रखना है। सेम प्रोसेस दूसरे में भी अप्लाई होगा। पहले बड़ा फ्लावर ब्रेड को लेना है, फिर मैंगो प्यूरी को ऐड करना है, फिर छोटे साइज के फ्लावर ब्रेड को रखना है, फिर मैंगो प्यूरी को ड्रॉप करना है। ये है व्हिपिंग क्रीम, जिसे आप केक वगैरह डेकोरेट करते हैं वही क्रीम है। इस क्रीम से थोड़ा इसे डेकोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप को गार्निश करेंगे, इसके बाद ऊपर के ब्रेड के साइड साइड में डिजाइन डालेंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड को बना लेंगे। अब मैंगो प्यूरी के जगह मावा या रबड़ी या फिर पाइनएप्पल या फिर कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें मेरे साथ। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। बगल में घंटी होगी, उसे भी प्रेस कर दें
जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।